वेलकम 10th क्लास स्टूडेंट्स। बेटा अपना सितंबर का जो सिलेबस है उदे विच वेरी फर्स्ट चैप्टर है सर्कल्स, थोड़ा चैप्टर नंबर 10 पंजाबी दे विच की लिखा होगा चक्कर। ठीक है, हुण अज दी इस वीडियो दे विच बेटा आपां इहदी बेसिक जानकारी हासिल करांगे कि यह है किस बेस ते है, इहदे विच की दस्या गया है, तो ये सारी दी सारी जिहड़ी आपां नॉलेज है इस वीडियो दे विच ही लवांगे, ताकि स्टार्टिंग तो लैके एंड तक तुसी वीडियो नू बहुत ध्यान नाल सुनना, क्योंकि इस नॉलेज के आधार पर ही तुसी अपने पूरे चैप्टर नू कर पाओगे। बेटा मेरे को PDF इंग्लिश मीडियम मैथ दी सी, पर मैं नाल नाल तुहानू हर वार दी तरह पंजाबी भी जरूर दसांगी। ठीक है बेटा, अपना पंजाबी वाला मैथ जिहड़े बच्चे पंजाबी मीडियम दे ने बेटा अपना पंजाबी वाला मैथ नाल लैके बैठियो, मैं तुहानू नाल दी नाल दसी जाऊंगी, तुसी समझन दी कोशिश जरूर करनी है। वैसे कोशिश की मैनू पूरी आस है तुहानू समझ आऊगी हुई। ठीक है बेटा, तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स चक्कर। देखो थोड़े बिल्कुल फस्ट पेज के उपर तीन फिगर्स बनाई हुई हैं, हरेक विच एक चक्कर है तो एक रेख है। ठीक, हुण पहले दे विच जिहड़ी अपने कोल रेखा PQ बनाई है ओह सर्कल नू किते भी कट नहीं रही। देखो इत्थे इन्ना सारा गैप है, बिल्कुल भी यह कट नहीं रही। ठीक है, इन दिस केस आपां PQ नू की कहांगे, नॉन इंटरसैक्टिंग लाइन। केड़ी लाइन बेटा? नॉन इंटरसैक्टिंग लाइन, तो आपां पंजाबी दे विच इहनू की कहांगे, काटवीं रेखा नहीं हैगी। ठीक है, कट ही नहीं रही। अगला देखो, जो आप सैकेंड फिगर देखते हैं तो उदे विच जेड़ी अपनी ये रेखा हैगी है वह सर्कल नू दो पॉइंट्स के उपर कट के लंघ जाती है, लंघ जाती है ना, तो इहनू आपां कहांगे राजे कि PQ की है, सीकेंट। देखो जिथे मैं एरो लगाने की कोशिश की सी, लाइन के नीचे ही लग गया, सीकेंट। पंजाबी दे विच इहनू की कहने आ, छेदक रेखा। ठीक है, याद रह जूगा छेदक रेखा, केड़ी छेदक रेखा हुंदी है, जो सर्कल नू दो पॉइंट्स के उपर कट के लंघ जाती है। ओके जी, थर्ड जिहड़ी फिगर है बेटे उहदे विच रेखा है जिहड़ी वह सर्कल नू सिर्फ एक पॉइंट ते टच करके लंघ जाती है, तो इस नू आपां पंजाबी दे विच कहने हुंने आ स्पर्श रेखा, तो इंग्लिश दे विच कहने हुंने आ टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ सर्कल। देखो तीनों केसिस समझ आ गए, हुण आपां इस तों नैक्सट चलते हैं। देखो जी टेंजेंट की है, आपां डेफिनेशन करते हैं उहदी, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज़ ए लाइन दैट इंटरसैक्ट्स द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। स्पर्श चक्कर की स्पर्श रेखा वह रेखा हुंदी है जिहड़ी चक्कर नू सिर्फ एक बिंदु ते ही कटदी है। इंग्लिश और पंजाबी दोनों च समझ आ गया? ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? तो टेंजेंट की डेफिनेशन की है, टेंजेंट टू अ सर्कल इज़ अ लाइन दैट इंटरसैक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। अगला पॉइंट जिहड़ा तुसी याद रखना है, देयर इज़ ओनली वन टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑफ द सर्कल। कहिंदे जे आपां सर्कल दे उपर चक्कर दे उपर कोई एक पॉइंट सोचते हाँ तो उसते सिर्फ एको ही टेंजेंट हो सकती है। ठीक है, दो नहीं हो सकदियां, सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा हो सकती है। दूजा पॉइंट समझ आ गया, चलो नैक्सट ते। द टेंजेंट टू ए सर्कल इज़ अ स्पैशल केस ऑफ सीकेंट। कहिंदे जिहड़ी स्पर्श रेखा है चक्कर दी वो छेदक रेखा का ही एक स्पैशल केस है। किवें? देखो सीकेंट कि बनाई सी आपां जिहड़ी उहनू दो पॉइंटां दे उपर कट के लंघ जाती है। हुण कहिंदे इह जिहड़ी छेदक रेखा है इह टेंजेंट का ही दूसरा रूप है। देखो जे आपां हुण इत्थे स्पर्श रेखा बनाईए तां इहदा मतलब जिहड़े बेटा दोनों पॉइंट्स सी जिथे कट रही सी दोनों इको ही पॉइंट ते आ के इकट्ठे हो गए। वैन टू एंडस पॉइंट्स ऑफ इट्स कोरसपोंडिंग कॉर्ड कॉन्साइड। कहिंदे जदों जिहड़े दो पॉइंटां दे उपर, दुबारा दसां बेटा, देखो ये सीकेंट सी, ये दो पॉइंट्स थे, देखो मैं पॉइंट भी दिखाते इतने कट रही सी, जो ये दोनों पॉइंट्स इदा नेड़े आते 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 कट्ठे हो जाएंगे तो वो जड़ा स्पैशल केस है वह बनेगा टेंजेंट, स्पर्श रेखा। क्लीयर हो गया राजे?
नैक्सट देखो जी, आप दो चीज़ा होर याद रखनिया ने। द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट एंड सर्कल इज़ कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। स्पर्श बिंदु केड़ा हुंदा? स्पर्श बिंदु कहिंदे ओह सांझा बिंदु जिथे टेंजेंट अते सर्कल जिहड़े ने ओह मिलदे ने, कॉमन पॉइंट। हुण देखो जिहड़ा इहने सर्कल बनाया ए इहदी टेंजेंट है, जिथे इह एक दूजे नूं मिलणगे ओह की होगा? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, स्पर्श बिंदु। एंड द टेंजेंट इज सैट टू टच द सर्कल एट द कॉमन पॉइंट। तो इस सांझे बिंदु ते बेटा अपनी जड़ी टेंजेंट है वो सर्कल नू टच करेगी। ओके जी, एम आई क्लीयर टू ऑल ऑफ यू? नैक्सट एक थ्योरम है बेटा 10.1। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, कहिंदे जे सर्कल दे किसी भी पॉइंट ते आपां टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इज़ परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये बेटा अपने 10.2 दे हर एक सवाल दे विच इस थ्योरम नू आपां यूज़ करांगे। तो इहनू बहुत चंगी तरह याद कर लो की कह रही है यह थ्योरम आपां नू। कहिंदे जे एक चक्कर दी स्पर्श रेखा जिहड़ी हैगी है ਉਹ ਸਪਰਸ਼ ਬਿੰਦੂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੇਡੀਅਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੇਡੀਅਸ ਨੂੰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹਿ ਜੂਗਾ ਜੀ ਕਿ ਟੇਂਜੈਂਟ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਤੇ ਲੰਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਹੈ ਜੋ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਰਸ਼ ਬਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਗਿਵਨ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਰੂਫ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਓ ਪੀ ਹੈ ਉਹ ਲੰਬ ਹੈ ਐਕਸ ਵਾਈ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓ ਪੀ ਲੰਬ ਹੈ ਐਕਸ ਵਾਈ ਨੂੰ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਰੂਫ ਕਰਨਾ ਹੈ। तो उदे लिए कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पाऊगी, रचना करनी पाऊगी। तो रचना आपां की कीती है, एक पॉइंट क्यू लिता है जिहड़ा कि एक्स वाई रेखा दे उपर है ते चक्कर तो बाहर है, चक्कर दे उपर नहीं है, ठीक है। तो देखो जी, द पॉइंट क्यू मस्ट लाई आउटसाइड द सर्कल। क्यों? हुण इहने रीज़न भी दसता। कहिंदे मान लो आपां क्यू किते अंदर लै लिया, हुण क्यू आपां की कहा है कि एक्स वाई रेखा ते है, तां इहदा मतलब एक्स वाई रेखा इदां होगी एक्स वाई। तां की इह टेंजेंट रही, की इह स्पर्श रेखा रही? तुसीं कहोगे नो, इह तां एक छेदक रेखा बन गई, इह तां एक सीकेंट बन गई। तां फिर इहदा मतलब क्यू चक्कर दे अंदर नहीं हो सकता, तां आपां क्यू चक्कर दे बाहर लै लिया। ओके, हुण इह जिहड़ा ओ क्यू है बेटे, तो यदा मतलब पी कित्थे सी? चक्कर दे उपर। क्यू कित्थे है? चक्कर दे बाहर। ओ पी की है फिर? अपना अर्ध व्यास, मतलब रेडियस, क्योंकि चक्कर दे उपर है ना पॉइंट, जो केंद्र नाल मिलावांगे तो रेडियस ही आऊगा। हुण जिहड़ा क्यू है वह हैगा चक्कर दे बाहर, तो इट मीनस जिहड़ा ओ क्यू है वह बड़ा ही होगा ओ पी तो, अर्ध व्यास तो बड़ा ही होगा। चलो हुण आपां कहिंदे एक्स वाई दे उपर कोई भी क्यू तो बिना होर पॉइंट लैंदे आ, मान लो इत्थे कोई पॉइंट लै लैंदे आ, क्यू तक लिता होया आर पॉइंट लै लैंदे आ, इहनू मिलावांगे तां इह वी तां बाहर ही होगा, तां इहदा मतलब ओ आर वी ओ पी तो वड्डा होगा। बिल्कुल नज़दीक जाके पॉइंट लै लो, इहदे उपर टी पॉइंट लै लो, इसनू मिलाऊंगे तां इह वी वड्डा ही होगा। इट मीनस बेटा जी, जिन्ने भी पॉइंट्स तुसीं पी तो इलावा एक्स वाई लाइन के उपर लौंगे उन्हों की जी लेंथ है वह ओ पी तो वड्डी ही होएगी। तो यदा मतलब ओ पी इज़ परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। क्यों? क्योंकि यह सब तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, सब तो छोटा डिस्टेंस है, सब तो छोटी दूरी है। तो जदों तिकोण के सब तो छोटी दूरी जी है वह परपेंडिकुलर मनी जाती है, वह 90 डिग्री का कोण उत्थे मनिया जाता है, मनिया नहीं जाता होंगे, ठीक है जी। क्लीयर होगी गल? तो देखो इन्हें की लिखिया, ओ पी इज़ द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल द डिस्टेंस। जिन्ने भी तुसी डिस्टेंस उस पॉइंट लैके कटोगे उन्हां दे विच्चों ओ पी सब तो छोटा होगा।
ठीक है जी। तो सो ओ पी इज़ परपेंडिकुलर, अपनी थ्योरम सॉल्व होगी। ठीक है, तुसी याद रखनी है तो सॉल्व किमें किता है यदा थोड़ा जा याद रखियो। ठीक है, जिहड़ियां अपनियां होर थ्योरम्स होणगियां बेटा वो मैं शीट ते लिख के तुहानू खुद सॉल्व करवावांगी। ठीक है, बहुत ही ईजी वे दे विच, क्योंकि मेरे चैनल का ही नाम है ना लैट्स लर्न विद ईजी ट्रिक्स। थ्योरम्स भी आपां बहुत ईजी सरल जी भाषा दे विच सीखांगे, एवें कह लो खेड़दे खेड़दे सीखांगे। ठीक है, थोनू नाल दी नाल ही याद हो जाणगियां। चलिए जी बेटा अगे, अपने कोल आ गई एक्सरसाइज 10.1। देखो किन्ने क्वेश्चन ने, ओनली 4। तो अज की इस वीडियो दे विच आपां सिर्फ ये फस्ट 2 क्वेश्चन करांगे। ठीक है जी, फस्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव। तो बेटा यदा आंसर तुहाडे कोल कित्थों आएगा, तुसी एक सर्कल ड्रॉ किया, कुछ भी याद नहीं करना, दिमाग ना सोच के आंसर देना। आपां कहा की हुंदा सर्कल, बहुत सारे पॉइंट्स जदों इकट्ठे हो जांदे ने उदों सर्कल बनता, और हरेक पॉइंट ते आपां की पढ़िया सी एक टेंजेंट हुंदी है। तो फिर सर्कल ते जिन्ने पॉइंट्स ने उन्नियां टेंजेंट्स हो सकदियां ने। ठीक है, की आपां काउंट कर सकते हैं, तुसी कहोगे नो, तो इहदा मतलब किन्नियां टेंजेंट्स हो सकदियां ने, इनफानाइटली मैनी, इनफिनिट भी कह सकते हो, इनफानाइटली मैनी भी कह सकते हो। पंजाबी आपां की कहांगे जी, की क्वेश्चन होगा ये कि चक्कर दियां किन्नियां स्पर्श रेखावां हो सकदियां हन, तुसी की कहोगे अणगिणत। ओके जी, समझ आ गया। नैक्सट अपने को फिलप्स ने, अ टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसैक्ट्स इट इन डैश पॉइंट। कहिंदे जिहड़ी स्पर्श रेखा हुंदी है वह चक्कर नूं किन्ने पॉइंट्स ते कट करके लंघदी है, किन्ने पॉइंट्स ते कटदी है जी, ओनली 1। समझ आ गया जी, इहदा आंसर की सी, अणगिणत। सारे थोड़े सामने आंसर ही लिख देने। ठीक है जी, ए लाइन इंटरसैक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स। कहिंदे जे एक लाइन सर्कल नूं 2 पॉइंटां च कट कर जांदी है डायमीटर तो बिना, मान लो कट के बाहर लंघ जांदी है, तो उहदा नाम आपां की रख्या सी, सीकेंट, पंजाबी दे विच छेदक रेखा। थर्ड, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। कहिंदे वध तों वध इक चक्कर दियां किन्नियां पैरलल टेंजेंट्स समांतर स्पर्श रेखावां हो सकदियां ने, समान अंतर। तो आपां इक चक्कर बनाया, उस ते इक स्पर्श रेखा बनाई, हुण इस दे बेटा पैरलल सिर्फ इको ही होर बन सकती है, तो इहदा मतलब एट ए टाइम किन्नियां पैरलल लाइनस हो सकदियां ने, 2। ठीक है जी, अगला हुण मैनूं इस इत्थे स्क्रीन अपनी साफ करनी पएगी जां मैं अगली फिलप्स तुहानूं पढ़ के सुना सकां। द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल इज कॉल्ड। कॉमन पॉइंट नूं आपां की कहिंदे आ बेटा, जिथे सर्कल नूं टच करदी है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पंजाबी दे विच की लिखांगे, स्पर्श बिंदु, लिखांगे जी स्पर्श बिंदु। समझ आ गईआं सारीआं फिलप्स ते अपना जिहड़ा फस्ट क्वेश्चन सी। थर्ड ते फोर्थ क्वेश्चन है बेटा जिहड़ा, वो आपां 10.2 जदों शुरू करांगे उहदे नाल ही तुहानूं ये दोनों सम्स भी करवा दित्ते जाणगे। मैनूं आस है तुहानूं 10th चैप्टर सर्कल्स चक्कर उहदे बारे बेसिक नॉलेज प्राप्त हो चुकी होवेगी, तुहानूं ये समझ आ गया होवेगा। तो बेटा इहनूं वीडियोज़ नूं ध्यान नाल देखो, जे कुछ नहीं पता लग्या तां बैक करके दोबारा देख सकदे हो। ते नाल दी नाल हुण कल मे बी, हाँ कल तक मेरी नैक्सट वीडियो इहदी अपलोड हो जाएगी, जिहदे विच 10.2 दे सम्स होणगे। ठीक है बेटा, तद तक लई बाय बच्चे।